नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं पूजा लेकर आई हूँ आज एक ऐसी बात जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों को बड़ा चुभेगी और कर्नाटक के सीएम की कुर्सी में बैठने जा रहे सिद्धारमैया के दिल पर लगेगी। वैसे सिद्धारमैया तो इन दिनों बड़े खुश हैं, सीएम की कुर्सी की जंग जो उन्होंने जीत ली है वही हुआ जो उनका सपना था, जो वो चाहते थे। कर्नाटक का नाटक आखिरकार खत्म हुआ और कर्नाटक के किंग बने सिद्धारमैया। 4 दिनों तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जबरदस्त खींचतान चलती रही, काफी विचार विमर्श हुआ। दिल्ली में बैक टू बैक मैराथन मीटिंग चली, कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तो कभी 10 जनपद में, और फिर अंत में जाकर सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने की खबर सामने आई। कांग्रेस ने सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद से वंचित क्यों रह गए, क्यों डीके दिल्ली से खाली हाथ लौटे, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों और किन मामलों में सिद्धारमैया आगे निकल गए और सीएम पद पर एक और बार विराजमान होने जा रहे हैं। तो आज सिद्धारमैया को आखिर क्यों सीएम पद के लिए चुना गया वो आपको बताएंगे, और सिद्धारमैया के सीएम बनने के बाद कर्नाटक कैसे बर्बादी की राह पर एक बार फिर से निकल पड़ा है उसकी भी बात करेंगे। वंस अपन ए टाइम इन मुंबई में एक बड़ा ही दमदार डायलॉग है कि सही और गलत में चुनना तो आसान है, पर किसी गलत और बहुत गलत में चुनना बहुत मुश्किल, और यही बात कर्नाटक कांग्रेस के लिए भी लागू हुई। सच्चाई यही है कि दोनों ही बड़े नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, दोनों के साथ अपनी अपनी दिक्कतें हैं। डीके शिवकुमार पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे हैं, तो वहीं सिद्धारमैया भी दूध के धुले नहीं है। सिद्धारमैया की तुष्टिकरण की राजनीति का बड़ा खेल आपको आगे बताएंगे, पर फिलहाल ये जान लीजिए सिद्धारमैया के खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि कुल 13 मामले दर्ज हैं। सिद्धारमैया के सीएम बनने के बाद कर्नाटक पर क्या असर पड़ेगा उस पर बात करें। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर क्यों लगाई। दरअसल कांग्रेस के 135 विधायकों में 90 पर सिद्धारमैया की मजबूत पकड़ मानी जा रही है, मतलब साफ सिद्धारमैया के साथ विधायकों का समर्थन ज्यादा है, उम्र भी काफी है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। सिद्धारमैया ने आलाकमान को अपने उम्रदराज होने का हवाला भी दिया था और 2024 लोकसभा चुनाव तक पहले चरण में सरकार चलाना चाहते हैं, मतलब उम्र को ध्यान में रखते हुए ये इनका आखिरी चुनाव होगा, इसी लिहाज से इनके नाम पर मुहर लगी। पर क्या इनके मुख्यमंत्री बनाने के पीछे कहानी यही तक सीमित है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने में सिद्धारमैया सबसे आगे हैं, और यही तो चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस ने जब जब कर्नाटक की सत्ता में राज किया तब तब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, मुस्लिमों को सर आंखों पर बिठाकर रखा गया और हिंदुओं की जान सस्ती होती चली गई। ऐसे कई हत्याएं हुई जो कांग्रेस सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। कांग्रेस की राज में कई हत्याओं की तो जांच पड़ताल तक नहीं हुई। इन्हीं में से एक है कर्नाटक में फूल विक्रेता प्रशांत पुजारी की हत्या का भी मामला। गौरक्षा के लिए वो कुछ इस्लामिस्टों से भिड़ गए थे, और आज तो कई लोगों को स्मरण भी नहीं होगा कि प्रशांत पुजारी था कौन। खैर, 26 जुलाई 2022 को हुई प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में एनआईए जांच हुई थी जब बीजेपी की सरकार थी, और जांच में जो खुलासे हुए उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू की इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जघन्य हत्या कर दी गई थी, और ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि प्रवीण नेतारू ने उदयपुर में कन्हैया लाल के सिर कलम करने की घटना पर गंभीर सवाल उठाए थे। प्रवीण ने सेकुलर लोगों की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए थे, और हत्या की वजह सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनी। अपनी पोस्ट में प्रवीण ने लिखा क्या था वो आपको बताते हैं। आज एक गरीब दर्जी को सरेआम काटकर वीडियो बना दिया गया है। ये कट्टर कह रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट प्रधानमंत्री मोदी है। आप सब कहाँ हैं? अब आपका वॉइस बॉक्स क्यों जल गया? राज्य में कांग्रेस की सरकार है, अब मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या तुम्हें गरीब की जिंदगी पर रहम नहीं आया? बस फिर क्या, इस पोस्ट के बाद ही प्रवीण को टारगेट किया गया
और सरेआम हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने प्रवीण पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ले ली। एनआईए जांच बीजेपी सरकार ने इन पर सौंपी तो पता चला कि इस हत्या के पीछे कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था। अब ये तो किसी से छिपा नहीं है कि पीएफआई का एजेंडा आतंक, सांप्रदायिक नफरत और समाज में अशांति पैदा करना है और ऐसे संगठन का साथ देती है कांग्रेस। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब एसडीपीआई और पीएफआई के लिंक की खबरें किसी से छिपी नहीं है, तो वहीं कांग्रेस एसडीपीआई के साथ साठगांठ भी कर्नाटक चुनाव में सामने आ चुका है। और इसी चुनाव में एसडीपीआई ने बीजेपी नेता प्रवीण नितारू की हत्या के मामले में आरोपी शफी बिलारे को मैदान में उतारा। एसडीपीआई आरोपी के साथ है, आरोपी का लिंक पीएफआई से जुड़ा है, मतलब साफ कि कांग्रेस पीएफआई को समर्थन कर रही है। और ये तो बस मैंने सिर्फ एक घटना का जिक्र किया, ऐसे कई घटनाएं हैं जिससे साफ साफ कांग्रेस का एजेंडा साफ साफ समझ में आता है कि कांग्रेस किसका साथ दे रही है। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि अब कांग्रेस की सरकार बनते ही टीपू जैसा आक्रांता फिर से एक आइकन बन जाएगा, हिंदू का जीवन फिर से सस्ता हो जाएगा और तो और हिंदू मंदिरों की ओर से स्कूलों को दान पर भी लगाम लग जाएगी। संक्षेप में कहे तो सिद्धरमैया के आते ही हिंदुओं के विरुद्ध वो अत्याचार प्रारंभ करेंगे तो शायद ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए काफी हो। अब आप खुद देख लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही कहीं पीएफआई के झंडे लहराए गए तो कहीं न्याय की विजय के नाम पर पाकिस्तान की जयकारे करते हुए मंदिरों के निकट पटाखे भी फोड़े गए। यह इस बात का सूचक है कि सिद्धरमैया के सीएम बनने के बाद कर्नाटक का भविष्य क्या हो सकता है। खैर अब बाजी तो सिद्धरमैया जीत गए हैं, पर जो बाहर से नजर आ रहा है कि आखिर क्यों सिद्धरमैया को सीएम चुना गया, सिर्फ सच्चाई यही नहीं है, इसके पीछे मुस्लिम तुष्टिकरण का बड़ा खेल है। खैर जाते जाते 5 पॉइंट के जरिए आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्यों खबरों के मुताबिक सिद्धरमैया को सीएम बनाया गया। सिद्धरमैया को विधायकों का साथ, सबसे बड़ा फैक्टर विधायकों के समर्थन का है। कांग्रेस ने इस बार 135 सीटों पर जीत हासिल की है और 90 से ज्यादा विधायकों ने खुलकर सिद्धरमैया का नाम लिया है, मतलब विधायक सिद्धरमैया को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने सिद्धरमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया होता तो संभव है कि आगे चलकर सिद्धरमैया बगावत कर सकते थे। डीके शिवकुमार पर मुकदमों की मुसीबत, दूसरा सबसे बड़ा कारण डीके शिवकुमार पर चल रहे मुकदमे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रही कि डीके शिवकुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज है। इस बीच कर्नाटक के डीजीपी को ही सीबीआई का नया डायरेक्टर भी बना दिया गया। कहा जाता है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर डीके शिवकुमार को करीब से जानते हैं, दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। ऐसे में कांग्रेस को लगा कि अगर डीके शिवकुमार को सीएम बना दिया जाता है तो सीबीआई उनकी पुरानी फाइलें खोल देगी, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग में सिद्धरमैया की मजबूत पैठ, ये सबसे बड़ा कारण है। सिद्धरमैया की पकड़ हर तबके में काफी अच्छी है, खासतौर पर दलित, पिछड़े और मुसलमानों के बीच वो काफी लोकप्रिय है। ऐसे में अगर सिद्धरमैया को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो संभव होता कि वो पार्टी के खिलाफ जा सकते थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हाथों से दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक भी खिसक सकता था। लोकसभा चुनाव पर फोकस, 2013 और फिर 2018 में सरकार बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सिद्धरमैया को पार्टी और सरकार दोनों ही चलाने का अनुभव है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीटें मिली थी। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुलबर्गा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब जब फिर से कर्नाटक में सरकार बन चुकी है तो कांग्रेस ने इस बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को सिद्धरमैया का चेहरा ज्यादा मजबूत समझ में आया।
सिद्धारमैया का अहिंदा फॉर्मूला। सिद्धारमैया लंबे समय से अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धारमैया का फोकस राज्य की 61% आबादी है। 2004 से ही वो इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और काफी हद तक ये सफल भी रहा। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को एक साथ लाया जा सकता है। कर्नाटक में दलित आदिवासी और मुस्लिमों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 60% के आसपास है। 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाए हुए हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस इसे कमजोर नहीं करना चाहती और डीके शिवकुमार को दरकिनार कर सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया। 20 तारीख को सिद्धा मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, पर कितने दिनों तक पद में टिक पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डीके शिवकुमार शांत नहीं बैठेंगे और जल्द फिर से कर्नाटक से कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आएगी। मतलब कर्नाटक की जीत कांग्रेस को भारी पड़ गई है और बात कांग्रेस को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।